नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर सोशल एक्टिविटीज में। जो आपकी ये ओबीसी महासभा की रैली निकाली जा रही है, ये कहाँ से कहाँ तक की रैली है? देखिए, जो ग्वालियर चंबल संभाग में पांच विधानसभा रैली, उससे पहले वहाँ जो है और इसी प्रकार से हर क्षेत्र में होगी 2023 का जो चुनाव है। अभी ये रैली के बाद चुनाव है, जैसा की आपको पता है मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो उसके बाद ये ओबीसी महासभा के लोग चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह से लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे तो क्यों नहीं, मतलब लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? थोड़ा सरकार और विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी महासभा सिर्फ चुनाव के टाइम पे सक्रिय होती है, इससे हम लोग नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह बघेल जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर सोशल एक्टिविस्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धीर सिंह बघेल जी। आइए जानते हैं कुछ दिल्ली के इनके केजरीवाल के राज्य के बारे में और कुछ ओबीसी समाज के द्वारा उनके द्वारा क्या किया जा रहा है उसके बारे में। और जो ओबीसी महासभा की अभी जो रैली निकाली जा रही है, सत्याग्रह पदयात्रा निकाली गई है, उसके बारे में तो सर अपना परिचय दें पहले और फिर अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं लोकल मीडिया को धन्यवाद दूंगा और मैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल, दिल्ली की पूरी टीम हमारे घर साहब है, गंगा सिंह बघेल जी है, इसपाल जी है, वो मसीह साहब है, और मैं सभी हमारे चाचा जी है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। मध्यप्रदेश की धरती पर जो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जो पदयात्रा निकाली है हक और अधिकार को लेकर, तो सभी साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। अब आप क्वेश्चन करिए जो पूछना चाहते हैं। जो आपकी ये ओबीसी महासभा की रैली निकाली जा रही है, ये कहाँ से कहाँ तक की रैली है? देखिए, ये ग्वालियर चंबल संभाग में 34 विधानसभा पर रैली, उससे पहले हमारी जो बुंदेलखंड में चल चुकी है और इसी प्रकार से हर क्षेत्र में होगी 2023 का जो चुनाव है उसको लेकर हम लोग हक और अधिकार को लेकर, हमारे जो हक और अधिकार मारे जा रहे हैं, इसलिए हमारे युवा साथी सब लोग मिलकर के हम कदम से कदम जो जातियों में हम न बचकर एक जमात तैयार हो रही है, और जो जमात तैयार होकर के जो बदमाश सरकार है उसको हम ऐसा जवाब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी हमारा ऐसा कोई फैसला है नहीं, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य है, सभी लोग कुछ डिसीजन लेंगे। हमें जो जिम्मेदारी दी है दिल्ली प्रदेश की जो भी रूपरेखा होगी हम आप सभी लोगों के नेतृत्व में जो बनाएंगे उसको तैयार करेंगे, जो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे हम आप लोगों को ओपन करेंगे। रही बात चुनाव लड़ने की, हमारा एक एक साथी चुनाव लड़ने के सक्षम है, पार्टियों का मुझे कोई मतलब नहीं है कि टिकट दे न दे, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों में खुद की काबिलियत है, खुद की ताकत है। अगर हमारे लोकेंद्र भाई जैसे और बहुत सारे हमारे युवा साथी है अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम सब लोग तन मन धन से साथ देंगे। सरकार और विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी महासभा सिर्फ चुनाव के टाइम पे सक्रिय होती है, इससे हमें कुछ आप कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा है सरकार का, चाहे वो पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, सरकारें अपना काम करना चाहती हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज के हक और अधिकार को लगातार छीनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हमारा लालची नहीं है, सब संघर्षशील है। आज देखो 40 का टेम्परेचर रोड पर घूम रहे हैं, कौन सा नेता घूम रहा है, सब एसी में अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके वोट से वो घर में बैठे हैं, लेकिन हमारा युवा आज रोड पर भटक रहा है। जैसा कि अभी आप रैली में बता रहे थे, ओबीसी महासभा को लेकर या ओबीसी वर्ग को लेकर दिल्ली सरकार कोई कार्य कर रही है या फिर जनगणना के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया गया है? मैं आपको आज यही बताने के लिए स्पेशल आया हूँ कि जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार मध्य प्रदेश में आकर के जो हमारे बीच में आकर के अपनी प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है, मैं इस बात को आपको फिर बार बार बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल किसी भी प्रकार से ईमानदार आदमी नहीं है, दिल्ली की जनता पूरी तरीके से परेशान है, एससी एसटी ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है वो यहाँ भी परेशान है तो दिल्ली में भी परेशान है। हमने दो बार प्रोग्राम में उनके जो राष्ट्रीय केजरीवाल सरकार के जो मंत्री हैं, आयोग के अध्यक्ष जगदीश यादव जी, उनको मैंने दो बार आमंत्रित किया, उनको बुलाया, उनको बात बोली, उन्होंने कहा ठीक है मैं चालू कराता हूँ, लेकिन कहाँ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों की बात कोई सुनने को राजी नहीं है। लेकिन अब हमारे लोकेंद्र भाई हमारे दिल्ली में गए हैं, जिन्होंने हमें मात ताकत जो दी है, कम से कम हमारी जो ताकत थी उसको 10 गुना ताकत बढ़ाने का काम किया लोकेंद्र भैया ने, तो मैं आज आपके सामने आश्वस्त करके जा रहा हूँ
कि दिल्ली ये मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव आपके हाथों में है, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन जो दिल्ली का चुनाव होगा 2025 का, मैं उसको बता रहा हूं कि केजरीवाल साहब को और जो भी सरकार वहां पर अपना हिम्मत भर रही है, मैं ओबीसी महासभा के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि इनको मैं आराम की चैन की सांस नहीं लेने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीरेन सिंह बघेल जी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।